नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी करने का आग्रह किया है। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी के समन की सर्विस रिपोर्ट कोर्ट में नहीं मिली है, इसीलिए कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख नहीं रखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर यह केस हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई हुई है, एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई हुई, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जो क्रॉसिंग में गए, क्रॉसिंग एज का खारिज हो चुका है, अब उनको उपस्थित हो जाना चाहिए। जानकारी भी है, जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें भी इस केस का जिक्र किया है, तो ये तो जानकारी है ही। तो न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और न्यायालय के प्रोसीडिंग में भाग लेना चाहिए, यही। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 में शामिल हुए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव और सांसद महुआ मांझी भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में आने वाले जितने भी उद्योग हैं, सभी को लेकर राज्य सरकार की सकारात्मक सोच है। उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसे उद्योग बने जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और अधिक से अधिक रोजगार सृजन कर की व्यवस्थाएं स्थापित हो, ऐसी हमारी सोच। जब हम निकलेंगे, जब ये यात्रा होगी, तब तो उसमें बताएंगे। अभी बीजेपी परेशान है, बोला कि प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए आपको। अब तो उनको जब हम निकलेंगे, जब ये यात्रा होगी, तब तो उसमें बताएंगे। अभी बीजेपी परेशान है, बोला कि प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए आपको। अब तो उनको पता चलेगा। एक स्टार्टअप जो झारखंड को एक जरूरत है, आज सरकार बहुत नौकरी नहीं दे सकती है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को नौकरी देने वाला बनाएं और स्टार्टअप के माध्यम से नए नए आइडियाज, नए नए उद्यमी इस क्षेत्र में आवे। इसके लिए हमारे पास बैंकर भी तैयार हैं और बच्चे लोगों को भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग स्टार्टअप के माध्यम से अपना व्यापार रोजगार शुरू करिए। और अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले आम चुनावों में उनके लोकसभा क्षेत्र में जिन बूथों पर बीजेपी को 60% से ज्यादा वोट मिले हैं, वहां नमो सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। इस देश ने तो कानून का जो है, कांग्रेस ने ऐसा धज्जी उड़ाया है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी मुसलमानों के लिए अलग से स्कूल बने, कॉलेज बने, इंस्टीट्यूशन बने, चैरिटेबल ट्रस्ट बने, कुछ बात नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं है। यदि मैंने कह दिया कि 60% से ज़्यादा कहीं यदि वोट मिला है तो हम पहला हक उनका जाता है, इसमें कौन सा गलत कर दिया? जहाँ की हिंदू और मुस्लिम है और जहाँ की हिंदू प्रताड़ित होते हैं और वो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, मेरा दूसरा टारगेट वहाँ है कि वहाँ मैं भी भवन बनाऊँगा, वहाँ मैं सुविधा दूँगा। बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ा विषय है। आदिवासियों का पॉपुलेशन घट रहा है, मैंने पार्लियामेंट में बराबर कहा 36% से 26% पॉपुलेशन हो गया। आदिवासियों का बात करने वाला हेमंत सोरेन, इसको आदिवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सुओ मोटोस को संज्ञान लिया है और उन्होंने सरकार से मांगा है, और मुझे लगता है कि झारखंड हाईकोर्ट की जो दिशा चल रही है उसमें कहीं लागू हो ना हो संथाल प्रणा में NRC लागू हो जाएगा और सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से मारपीट कर भगा देंगे। और जो आदिवासी का जमीन है, जो शादी के नाम पर जो ये लैंड जिहाद चल रहा है, आदिवासियों के जमीन को हम मुक्त कराएंगे।
झारखंड में होने वाली साइबर ठगी की वारदात का दुबई और चीन कनेक्शन सामने आया है। दुबई और हांगकांग में रहकर ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सीआईडी की ओर से लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब टीम ने हैदराबाद से एक ठग को गिरफ्तार किया तो आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया, चीन और दुबई में रहने वाले कुछ भारतीय लोग ही झारखंड के लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में अब सीआईडी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी होने के बाद अगर ये साइबर अपराधी अब देश के किसी भी एयरपोर्ट पर अगर नजर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसमें 1.4 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी हम लोगों ने जब अकाउंट्स को ट्रेस आउट किया तो हैदराबाद के मक्की रेड्डी नाम का आदमी का था, उसके नाम से वो अकाउंट था। उसने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रखी थी, बिल्कुल फ्रॉड उस अकाउंट में पैसे जा रहे थे। उसको हम लोगों ने ट्रेस आउट किया बेस्ड ऑन द डिजिटल फुटप्रिंट्स, उसको हम लोगों ने पकड़ा हैदराबाद से, उसका पूरा इंटरोगेशन किया, उससे पता चल रहा और उसमें उससे पता चल रहा है कि उसके कुछ परिचित लोग हैं जो कि दुबई में बेस्ड इंडियन लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश के लोग हैं जो दुबई में रह करके वहाँ से ये सारे ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि पार्टी संगठन स्तर पर बेहद मजबूत है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमारी पार्टी जनता की भावनाओं के अनुसार चलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम लोगों ने चुनाव की तैयारियां तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। ऐसे में भाजपा के बारे में प्रचलित है कि हम 24/7/365 चुनावी मोड पे रहते हैं, हम आम लोगों की समस्याओं को लेकर मुखर रहते हैं, इसीलिए जनता से हमारा कनेक्ट कभी टूटता नहीं है। और जो दूसरी बात है कि हमारे जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति के बाद वो लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बूथ कमेटी के लोगों से मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी साजिश और षड्यंत्र के बूते चलती है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी जनता के भावनाओं के अनुकूल चलती है और हमारी भी विधानसभा की तैयारी जनता के भावनाओं के अनुकूल चल रही है। हम सिर्फ जनता को वोट बैंक के रूप में नहीं समझते हैं, बल्कि हम जनता की भावनाओं का आदर करते हुए उसका अनुपालन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लाख तैयारी कर ले विधानसभा की, इस राज्य की जनता इस बात को जानती है। देखिए भारतीय, और अब आपको गुमला लेकर चलते हैं जहां पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। कुरुमगढ़ के मरवा हिरना खाड़ में भाकपा माओवादी की ओर से लगाए गए 35 केन बम बरामद हुए हैं जिन्हें पुलिस और जगुआर टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। इलाके में और बम होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल का सर्च अभियान चल रहा है। माओ द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन के द्वारा ये माइनिंग प्लांट किया गया है, उसके बाद इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए BDTS टीम को बुलाया गया और जिसमें 35 ये केन बम प्लांटेड था। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं जहां JMM कार्यालय में आज सैकड़ों की संख्या में PGT के सफल अभ्यर्थी पहुंचे। PGT के साथ विश्व के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र का वितरण झारखंड सरकार ने 5 जुलाई को निर्धारित किया था, पर विद्यार्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किए गए। अभ्यर्थियों की माने तो 11 विषयों की परीक्षा पिछले साल ली गई थी, जिनमें से 5 विषयों की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। बचे हुए 7 विषयों के अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। भारी संख्या में PGT के सफल अभ्यर्थी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर पहुंचे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंप दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वो तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने PGT के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की है, लेकिन इनकी बहाली अब तक नहीं हुई है। हालांकि कुछ विषयों की बहाली राज्य सरकार ने किया है तो कुछ विषयों के अभ्यर्थियों की बहाली अब तक नहीं हो पाई है, नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या मामला है, क्या मसला है कि आप लोग आज यहाँ आए हुए? सर, मामला यही है कि 2 बार डेट दिया गया, 1 बार 3 तारीख का डेट दिया गया मीडिया के माध्यम से, 1 बार 5 तारीख का भी डेट आया नियुक्ति की तिथि, फिर उसको स्थगित कर दिया गया। तो हमारी यही मांग है कि हमें जल्द नियुक्ति दी जाए। 11 विषयों का एग्जाम हुआ था, मार्च में ही हमारे 4 विषय की नियुक्ति हो चुकी है, 7 विषय
और देर पर देर हो रहा है। निश्चित तौर पर राजनीतिक गतिविधियां कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की तिथि का अनाउंसमेंट किया जाए। ये जो आप भीड़ दिख रही है, यही सात विषय के हम सारे लोग अभ्यर्थी हैं, और ये जितने सारे भीड़ दिख रही है, सारे अलग अलग जिला से आए हुए हैं हम लोग। पहले सर बीपीएससी में TRE2 में ज्वाइन किए थे, PGT में ही, बट जब इधर न्यूज आया कि 3 तारीख को ज्वाइनिंग मिलेगा, तो 1 तारीख को वहां से रिजाइन करके हम आ गए हैं सर। और अभी आपकी सरकारी नौकरी थी, आपने झारखंड सरकार की नौकरी के लिए नौकरी छोड़ दी, अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। बहुत परेशानी है, क्योंकि सर दो दो बार नियुक्ति पत्र देने की तिथि घोषित की गई सर, एक तो 3 जुलाई और दूसरा 5 जुलाई सर। तो हम लोग सर 2 से ही यहाँ रांची में है सब, इतने जो विद्यार्थी आप देख रहे सब 2 तारीख से रांची में आके कि आज नियुक्ति मिलेगा, फिर वो डेट पोस्टपोन हो जाता है, फिर बोलते कि नहीं 5 को मिलेगा, फिर वो भी डेट पोस्टपोन हो जाता है सर। बहुत परेशान है सर, मेरे खुद का सर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम है। काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं, जो हमारा 3 तारीख को हमारा ज्वाइनिंग होने वाला था वो कैंसिल नहीं स्थगित हो गया, और उसके उस दिन से हम लोग रांची में ही हैं, वेट कर रहे हैं कि 5 तारीख को जैसे मीडिया में आया कि हम लोग को 5 तारीख को ज्वाइनिंग मिलेगा, तो हम लोग को हो पाया कि उस दिन भी हम लोग को ज्वाइनिंग मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी कोई रिस्पांस फिर नहीं दिया गया, और अभी तक हम लोग का एक टेंटेटिव डेट भी नहीं आया है कि ज्वाइनिंग हम लोगों को किस दिन मिले। बिल्कुल, ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जिनको हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यानी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा नियुक्ति पत्र देना था। पिछले 3 तारीख से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो राजधानी रांची पहुंच चुके हैं, अलग अलग जिले से पहुंचे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को भी रिजाइन दिया है, उसके बाद पहुंचे हैं, बावजूद झारखंड सरकार ने इन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं बांटा है, और इस वजह से अधिकतर लोग बेरोजगार हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, News18 रांची। रांची में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 7 जुलाई को निकलेगी। रथ यात्रा को सजवाने का काम ओडिशा से आए कारीगर कर रहे हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए नगड़ी गांव और पांडु गांव के आदिवासी समाज की महिलाएं जगन्नाथपुर मंदिर पहुंची, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं News18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कल है, लेकिन रथ को सजाने का काम आज पूजा कर लिया जाएगा, और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज की महिलाएं जो हैं इस रथ को देखने के लिए पहुंची हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि रथ की खासियत क्या है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर जो रथ के निर्माण से जुड़े हैं उनसे बात करेंगे। ये रथ की खासियत क्या है? ये रथ का खासियत ये है कि सब श्रद्धालु लोग जो पुजारी है वो आते हैं, भगवान जगन्नाथ को पूजा करते हैं अपना मन तन लगा के। ये रथ की ऊंचाई कितनी? 40 फीट ऊंचाई है। साल से इसी रथ का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आज आप लोग रथ को देखने पहुँचे हैं? हाँ। सबसे पहले मेरा तरफ से जय धर्म। हम लोग आदिवासी समाज से है, हम लोग का गाँव का नाम है पिस्का नगरी पांडु टोली, जहाँ पहले पांडु आए थे। हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन आजा पर दादा लोग बताता है, वही गांव से आए हैं। रथ पूजा में हर साल हम लोग आते हैं। आप लोग जो है रथ को देखी, कैसा लगा? अच्छा लगा, हम लोग हर साल आते हैं, कल रथ चलेगा, कल भी आएंगे सवेरे सुबह। बोले कि साथ में ग्रुप में निकलते हैं गांव से? हाँ, हम लोग ग्रुप में निकलते हैं, और अभी तक नहीं आए हैं, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। हाँ, उसी का वेट कर रहे हैं। धर्म माँ है, नहीं आई है, अभी आएगी और नैहर जाएगी रथ यात्रा, इसीलिए हम लोग मिलने आए, भेंट टूट करने आए, सब कोई पूरा ग्रुप के साथ में सरना सभा वाला लोग। देखिए, यही रथ यात्रा की खूबसूरती है, जहाँ कह सकते हैं पूरा समाज एक साथ पूजा करता है। और जब भी राजधानी रांची में रथ यात्रा निकलती है मुख्य मंदिर से मौसीबाड़ी तक, तो तमाम लोग यहाँ, भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि बड़ी एक तो बड़ा मेला लगता है, मेले में खरीदारी होती है, भगवान का दिव्य दर्शन होता है, और तमाम लोग जो यहाँ पहुँचते हैं कुछ न कुछ भगवान से पाकर ही जाते हैं। और मानसून का भी अनुमान है कि मानसून इस बार भगवान जगन्नाथ स्वामी के आशीर्वाद से मानसून 10 जुलाई को जोर पकड़ेगा, लेकिन कल भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। संजय कुमार सिन्हा, News18 रांची। रांची के ध्रुवा में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मेला शुरू होने वाला है। लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में 3,000 दुकान और 30 से ज्यादा झूले लग रहे हैं। मेले में दुकानें सजने लगी हैं और झूले भी लगने शुरू हो गए हैं। दुकानदारों से उनके दुकान के साइज के अनुसार 2 से 3 हजार रुपए रनिंग फिट का रेट रखा गया है। कई दुकानदारों का कहना है कि इस बार ज्यादा रेट रखा गया है, जिससे आमदनी प्रभावित हो सकती है। कई दुकानदारों का मानना है कि रेट कम रहने से थोड़ा आमदनी ज्यादा हो जाती है। इस बार कुछ ज्यादा रेट लगा दिया। अजय जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? रामगढ़ से। बिजनेस कैसा लग रहा है, या पहले की तुलना में पैसा ज्यादा लगा, या क्या लगा है? पैसा पहले से बहुत ज्यादा लगा।
पहले कितना था, अभी कितना लगा? पहले सबसे शुरू आते थे तो 2000 1000 में हो जाता था और अगला साल 20000 लगा। पहले जमीन का रेट जैसे दुकानदार का रेट कम होता था, इस बात तो दुकानदार का रेट एकदम पूरा हाई रेट कर दिया, 3000 रुपया फीट कर दिया। जैसे 24 फीट मेरा दुकान लगा है, 72000 रुपया इसमें लग जाएगा। 72000 रुपया 6 दिन का? 12 दिन का। 12 दिन का। पहले कितना लगता था ये? पहले 400-500 रुपया लगता था। पहले से तो बहुत अच्छा है कि जगह आराम से मिल गया। हर बार आते थे थोड़ा सा दिक्कत होता था, लेकिन अब बड़ा दिक्कत नहीं हुआ। आपके दुकान में क्या क्या है? ये गाजा है, बालूशाही है, बर्फी है, मुरब्बा। मेला के तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, ये मेला 18 तारीख तक चलेगा और इस बार उम्मीद है कि बहुत अच्छा से चलेगा, हर साल से बेहतर चलेगा। कारण ऐसा होने का? इसलिए कि प्रशासन का पूरा जबरदस्त फोकस है, देख रेख अच्छा है, ठेकेदारों लोग जो जो लिया है पानी वानी का सब व्यवस्था बढ़िया दे रहे हैं, ऐसा कोई प्रेशर किसी के ऊपर नहीं है। सरकार और जनप्रतिनिधि विकास को लेकर लाख दावे कर लें, लेकिन हकीकत गांव में पहुंचकर ही पता चलती है। ताजा मामला बोकारो से है, जहां सेक्टर 9 अतीत रानी पोखर गांव में ब्राह्मण टोला आज भी विकास की राह देख रहा है। सड़क पर जल जमाव के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़कें जो बदहाल स्थिति में है और उसी बदहाल स्थिति में यहाँ के लोग रहने को मजबूर है। ये रोड और ये तालाब का पानी निकलता है, जिसकी वजह से हम मुखिया जी को बोले थे कि मुखिया फंड से नाला अवेलेबल होता है, जो कि अगला मुखिया भी नहीं सुने, ये मुखिया भी नहीं सुन रहे हैं। ये जो थे वो भी ऐसे कि आए जो नया नया ये भी वही कर रहे हैं। हमने क्या किया है जो हमारा रोड नहीं बन रहा? बरसात में कितना दिक्कत है? बरसात में तो सर हमेशा दिक्कत, बरसात तो छोड़ दीजिए, यहाँ से धूल धूल उड़ता है, बरसात में कीचड़ हो जाता है, ये सब हमेशा दिक्कत होता है। नाली भी नहीं है सर। सर रोड तो देखिए रहे हैं, मेरे विधायक फंड से न बन रहा है रोड, न मुखिया फंड से बन रहा है, कोई बनाने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं, मतलब इस रोड को छोड़ दिए हैं सब कोई। लेकिन सर ये रोड सबका जरूरी है। समस्या है, मतलब हम लोग को घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, बरसात में तो घर हम लोग घरे पर रहते हैं, बहुत इमरजेंसी पड़ने पर तो निकलना ही पड़ता है, लेकिन उसमें हम लोग को जूता चप्पल पेंट शर्ट ये सब पूरा सब खराब हो जाता है। और पाकुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, लक्ष्मी मंदिर में चोरी के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 3 घंटे के अंदर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरणपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको जानकारी दें कि हिरणपुर थाना इलाके के लक्ष्मी मंदिर में चोरों ने लक्ष्मी जी की प्रतिमा से 25 भर की चांदी का मुकुट, मांग टीका और सोने के कंगन की चोरी कर ली थी। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसकी मदद से पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 घंटा होते होते, सुबह के 3 घंटा होते होते जानकारी होने के साथ ही इनके द्वारा जो है यह पता कर लिया गया कि कौन चोर इसमें शामिल है, मतलब गैंग केस को डिटेक्ट कर दिया। और शाम होते होते न सिर्फ दोनों चोर को पकड़ लिया गया, बल्कि जो जितने भी ऑर्नामेंट मंदिर से चोरी गए थे सबको बरामद कर लिया। और खबर सिमडेगा से है, ओडिशा से तस्करी के लिए रांची की तरफ जा रही प्रतिबंधित मवेशी से लदा ट्रक अंबापानी रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें मवेशियों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 पशु तस्कर को हिरासत में लिया। जानकारी दे दें कि पुलिस ट्रक और मवेशी को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रुकना यहां से दिखेगा ना, रसो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धनबाद पुलिस और उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कोल कमारडीही गांव में छापेमारी की गई, जिसमें 1610 लीटर कच्चा स्प्रिट, खाली ड्रम समेत भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाली सामग्री को जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई से पहले शराब तस्कर नागेश्वर सोरेन मौके से फरार हो गया। पूरे मामले पर पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। इधर देखिए सर, पूर्वी टिंडी के एक गाँव जिसका नाम है कोल कमारडी, जो पंचायत चुरूरिया पंचायत के अंतर्गत है, थाना पूर्वी टुंडी जामताड़ा के सीमा के नजदीक है, वहां पर नागेश्वर सोरेन के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब का एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। लोहरदगा में बरसात का मौसम आते ही सांप काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जिले में इस बार मई और जून के महीने में सर्पदंश के कई मामले सामने आए। सिविल सर्जन का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त संख्या में एंटी
स्नेक वेनम उपलब्ध है। सांप काटने पर लोग झाड़ फूंक कराने के बजाय इलाज कराएं। अभी हम लोग सदर अस्पताल में विगत 3 माह से सांप काटने का केस थोड़ा सा ज़्यादा आया है। पिछला एवरेज तो जा रहा था हम लोग का 10-15, लेकिन इस जून महीना में तो हम लोग यहाँ 38 केस आ गया था सांप काटने का। और जनरली सांप जो हम लोग के क्षेत्र में है, ज़्यादातर कैरेत सांप का प्रकोप है। कैरेत का काटा हुआ ज़्यादा आता है, कभी कभी नाक का आ जाता है। और गिरडी के जोगटियाबाद में सांप के काटने से 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुन्नालाल पासवान के रूप में की गई। जानकारी के अनुसार सोने के दौरान सांप ने डस लिया और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी दे दें कि मृतक मुन्नालाल पासवान नगर निगम में सफाई का काम करने वाले आकांक्षा कंपनी में पिछले 10 सालों से सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था। जमीन में सोया हुआ था, सांप आके उसको काट लिया और सांप काटने के बाद वो आवाज़ दिया, हॉस्पिटल लाए, यहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज कुछ दिनों में होने वाला है, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस बार श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।